तो बात करते हैं वुड्स रिएक्शन। सिंपल सा है, वुड्स रिएक्शन होगा क्या, अगर हमसे मैकेनिज्म के बारे में पूछेंगे तो वो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले एक लाइन लिखा जाए कि वुड्स रिएक्शन में क्या है। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होता है RX, हमारे पास दूसरा अल्काइल हैलाइड होता है RX, और हम सोडियम की भी बात करते हैं ट्वाइस Na, और एक और हमारे पास अल्काइल हैलाइड है RX। ठीक है, सॉल्वेंट हमने यहाँ पर ईथर ले रखा है, ईथर एक सॉल्वेंट है जो हमारे लिए बिल्कुल सटीक है, वहां जहां हमारे को इतने एक्टिव मेटल चाहिए। अगर हम वाटर या कुछ और ले लेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, ये उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया है। अब ईथर के लिए आप क्या ले सकते हो, डाई मिथाइल ईथर ले सकते हो, डाई मिथाइल ईथर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो डाई मिथाइल ईथर, DME। ऐसा नहीं है कि आप डाई मिथाइल ईथर ही ले सकते हो, डाई इथाइल ईथर भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो खैर ईथर चाहिए, कोई भी हो हमारे लिए यहाँ पर चलेगा, तो हमने डाई मिथाइल ईथर ले लिया। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास सोडियम एक्स हटके क्या बना रहे हैं, ट्वाइस NX प्लस एल्केन देखने को मिल रही है। तो ये बात क्लियर है कि हमें एल्केन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हम इस रिएक्शन से ये नहीं बता सकते कि क्या माइनर प्रोडक्ट भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे और कौन से मिलेंगे, तो इसलिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए। तो पहले तो वुड्स रिएक्शन की डेफिनेशंस क्या है, लिखिए डेफिनेशंस। पहला पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम इन ईथर सॉल्वेंट एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट इन बिग एल्केन, यानी RR, और एल्काइल हैलाइड हमारे लिए क्या है, RX, यानी बिग एल्केन RR में कन्वर्ट हो जाएगी। इस अबव रिएक्शन इज नॉन बाय अबव रिएक्शन नॉन बाय वुड्स रिएक्शंस। ये तो रहा थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जो वुड्स रिएक्शन के लिए आपको जरूरी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डलेगा मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शंस, इसको लिख लिया आपने तो लिखें इसको जल्दी से, हेडिंग डलेगा मैकेनिज्म। देखो सिंपल सा लॉजिक है, वुड्स रिएक्शन है, मैकेनिज्म की बात करेंगे, और मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले हमारे को ये समझाना है कि इसमें सोडियम की जरूरत है क्यों। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये सब हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सोडियम, तो ये आसानी से हमारे पास क्या कर सकता है, Na प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ में आ गई। लेकिन अगर सोडियम प्लस स्टेबल नहीं हुआ, इसे कोई हाइड्रेशन एनर्जी या कुछ इस तरह की एनर्जी नहीं मिली, तो ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस लेके आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये इतना ज्यादा मेटल एक्टिव है कि अगर वाटर डाल दिया सॉल्वेंट में तो हाइड्रेशन नहीं, उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर जाएगा, तो हमें इतना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट नहीं ले सकते हम वाटर जैसा, तो हम क्या करेंगे, हम ईथर लेंगे। तो सोडियम क्या करेगा, ये हमने ईथर ले लिया सपोज RR, तो ये वाटर के साथ होता ना, तो ये पता है हाइड्रोजन तो निकाल देता, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा,
पोलराइजेशन तो होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन। अगर वाटर होता तो हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। लेकिन अभी क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेशन। इस सॉल्वेशन में क्या होगा? Na प्लस आपके पास है और ये आपके पास ओ आर आर है, ओ आर आर, ओ आर आर इस तरह से। और आर ऑक्सीजन के पास, आपके पास मालूम है कि उसके पास लोन पेयर भी है, माइनस डेल्टा चार्ज भी है और इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है। तो एक तरह से डायपोल आयन अट्रैक्शन होगा। इस डायपोल आयन अट्रैक्शन से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ गई। अब ये आसानी से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। भाई बन रहा है, फायदा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ये। यस और नो? तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट, सॉल्वेशन हो चुका है। इस प्रोसेस को आप बोलेंगे सॉल्वेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस में आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, आयनाइजेशन हुआ है। और सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ है? सॉल्वेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन अल्काइल हैलाइड में जाएगा। थर्ड स्टेप में कैसे देखने को मिलेगा? ये आपके पास R है, ये Cl है। आप जानते हैं यहां दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहे हैं। किसके ऊपर जा रहे हैं? इस क्लोरीन के। और साइमल्टेनियसली ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जा रहा है? इस R के साथ। ये इस तरफ गया और ये इस तरफ आर के पास आ गया। तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से? आर डॉट प्लस सी एल माइनस। सही है, ये हमारे पास हो गया। फोर्थ जो सी एल माइनस है वो तो एन ए के साथ अटैच हो जाएगा, तो एन ए प्लस तो उसका इंतजार पहले से ही कर रहा है। तो ये आपके पास एन ए सी एल बन गया, बन जाने दो। और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है? फिफ्थ स्टेट में हम ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे कि आर डॉट डिसप्रोपोर्शनल भी दे सकता है और क्या देगा? डाइमराइजेशन भी दे देगा। तो फिफ्थ नंबर पे जो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आर डॉट क्या कहते हैं, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में क्या होगा? आर डॉट प्लस आर डॉट मिलके क्या बना लेंगे? आर आर। और दूसरा हो सकता है हमारा जो कि मेजर होगा, ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, यानी 98% तक यही देखने को मिलेगा। बाकी के 2% में माइनर भी हो सकते हैं और वो हो सकता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन आपको मिल जाए, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन अगर आपको मिलती है तो इसमें क्या होगा आपके पास कि एक आर डैश दूसरे आर डैश के साथ चेंजेज होगा और एक एल्कीन बनाएगा और एक क्या बनाएगा? एल्केन। तो यहां से एल्कीन बनाना यानी आर डॉट देना आपके लिए क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सर यानी एक तरह से आपका आर डॉट जाना, समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन सामने मतलब रिडक्शन हो गया और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक जगह ऑक्सीडेशन और एक तरफ हमारे लिए क्या हो रहा है? रिडक्शन। आप मुझे बताएं इसी के अंदर कि ये हमें बताएं जल्दी से कि इसने आर डॉट एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या हमने उल्टा लिख दिया? हाँ, ध्यान से देखिएगा, किसी को भी इलेक्ट्रॉन मिलना हमारे लिए क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। खैर हमारा मेन टारगेट है कि ओवरऑल ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिले तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हम यहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे पास सिंपल मैकेनिज्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करते हैं अब हम। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल करेंगे, ये लिख लिया आपने, हम मैकेनिज्म के बाद अगला जो पॉइंट्स लेंगे वो लेंगे इसके अंदर इंटरवुड्स रिएक्शंस। इंटर का मतलब हमारे पास क्या है देखते हैं पहले। इंटरवुड्स रिएक्शंस हेडिंग डलेगा आपका ए पॉइंट, इसके अंदर इंटर वुड्स रिएक्शंस।
इंटरवुड्स रिएक्शंस। क्या है इंटरवुड्स रिएक्शंस? यानी आप जानते हो इंटर का मतलब क्या होता है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना? यानी कि दो अलग अलग सेपरेट एक जैसे मॉलिक्यूल हो, तो हम इंटर मॉलिक्यूल वुड्स रिएक्शन की बात कर क्या करेंगे, व्हेन व्हेन वुड्स रिएक्शंस रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सेम टाइप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन। यहां हम एक वर्ड और डालेंगे, इंटर मॉलिकुल वुड्स रिएक्शन, कॉल्ड इंटर मॉलिकुल वुड्स रिएक्शंस। तो अब आप मेरी यहां मदद कीजिए इस पॉइंट को देखने के लिए कि अगर आपको C2H5Cl प्लस सोडियम लिखा जाए और नीचे लिखा जाए डाई मिथाइल ईथर DME, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? बिना मैकेनिज्म के भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना। C2H5 आप अटैच कर लीजिए, यानी क्या बन गया ये C4H10 प्लस ट्वाइस NaCl, ये आपके लिए हो गया वुड्स रिएक्शंस, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैकेनिस्ट से जाएंगे तो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, और वो क्या देखने को मिलेगी ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म अगर आप यहां करेंगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, पहला कि आपके पास C2H5Cl है और वो क्या बना रहा है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेके, जो कि सोडियम ने दिया है C2H5.Cl-, ये आपके पास हो गया। Cl ने Na प्लस के साथ अटैचमेंट करके NaCl बना लिया, वो उसका काम रह गया। लेकिन हमारे पास जो C2H5 है डॉट प्लस C2H5 डॉट, ये मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा, C4H10, जो कि आपके पास मेजर रहेगा। और एक और चीज हो सकती है कि C2H5 डॉट प्लस C2H5 डॉट, इसमें से एक डॉट H डॉट इधर चला गया, तो ये तो हो जाएगा C2H4 प्लस एक हो जाएगा C2H6, ये दोनों ही आपके पास माइनर प्रोडक्ट होंगे। तो अगर आपसे सिंगल चॉइस पूछा जाए, हमेशा एल्केन सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एल्केन। समझ में आ रहा है? अब आगे आपके पास मिनिमम कितने कार्बन ले सकते हो एल्काइल हैलाइड में? दो, एक भी तो ले सकते हो, ठीक है ना? एक लेने से तो और ज्यादा फायदा है कि आपके पास सिर्फ यही बनेगा मेजर एल्केन, डिस्प्रोपोर्शनल हो ही नहीं पाएगा, आ रही है बात समझ में? लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा उस जगह, यहां C4H10 है, वहां पर C2H6 बन जाएगा। क्या इस रिएक्शन से आप मेथेन बना सकते हो? नहीं, क्योंकि मेथेन में कितने कार्बन होते हैं, एक। तो यहां हमारे लिए की पॉइंट क्या बना, की पॉइंट बाय अबाउ रिएक्शंस वी कैन नॉट जनरेट मिथेन CH4, नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये हमारे लिए इसकी लिमिटेशन भी हो गई और की पॉइंट भी हो गया, अभी के लिए तो की पॉइंट है। आप एक कार्बन लोगे, एक इधर होगा, तो कितने कार्बन बन जाएंगे, दो।
प्रोडक्ट साइड में, तो नहीं कर पाएगा। आपका फर्स्ट मेंबर जो बनेगा इससे वो होगा एथेन, लिखें इसको। तो अगला पॉइंट हमारे पास एक और आ रहा है और वो है वुड्स रिएक्शन के अंदर ही, सेकंड सेकंड हमारे लिए हो रहा है इसी के अंदर बी, इंट्रा वुड्स रिएक्शंस, इंट्रा वुड्स रिएक्शंस। इंट्रा वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि पूरी वुड्स रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में हो रही हो, यानी कि वुड्स रिएक्शंस लिखते जाए टेक प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल, इन सेम मॉलिक्यूल, इन सेम मॉलिक्यूल। तो अगर वुड्स रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा वुड्स रिएक्शंस। तो आप मुझे बताइए आपको कितने क्लोरीन की जरूरत होती है वुड्स रिएक्शन कराने के लिए, दो पक्का, और वो दो क्लोरीन अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो तो कहां दिक्कत आ रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये सीएल है, ये सीएल है, बोलो यस। अब अगर आपने यहां पर सोडियम रख दिया और डाइमिथाइल ईथर रख दिया डीएमई, तो बताइए क्या होगा, कितने कार्बन है, आप देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, छह तो नहीं दिखाई दे रहे। तो अगर 1 2 3 4 5, अब आपके पास क्या होगा कि ये ट्वाइस NaCl हमारे पास यहां पर बन जाएगा, ये ट्वाइस Na, और ये हमारे पास अलग होते ही बाकी का क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल यहां बनेगा और यहां बनेगा। तो अब हमेशा जहां Cl है वहां पर फ्री रेडिकल देखने को बना सकते हैं, एक एक दो तीन चार पांच, कार्बन का विशेष ध्यान रखें, फ्री रेडिकल बना लिया, बाकी NaCl अलग हो गया, और फाइनली इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया अटैच, तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन आपको देखने को मिलेगा, खत्म। कितना आसान है वुड्स रिएक्शन बनाना कि जहां जहां सीएल है वहां वहां डॉट लगा दो, सीएल हटाओ डॉट लगाओ जोड़ो, ठीक है। तो बिल्कुल, अब बात आती है कि हम इसको बड़ा क्यों नहीं बना लेते और बड़ी चेन बना लेते, नहीं, तो यहां दो बातें होगी, बड़ी क्यों नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इंट्रा रिएक्शन हमेशा इंटर पे डोमिनेट करती है। अगर आपको क्या कहते हैं, अब डॉट इतने पास मिलेंगे अपने ही मॉलिक्यूल में मिलेंगे, तो आप क्यों दूसरे मॉलिक्यूल के पास कोलिजन करने जाएंगे, समझ में आ रहा है। और ये रिएक्शन फास्ट भी होती है, इंट्रा रिएक्शन कहीं पर भी होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंट्रा की होती है, सेकंड प्रायोरिटी इंटर की होती है, ठीक है। तो ये दोनों की पॉइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, लिखिए की पॉइंट फर्स्ट, हिंदी में लिख सकते हैं आप, सीएल हटाओ डॉट लगाओ, डॉट यानी फ्री रेडिकल लगाओ, फिर डॉट को जोड़ दो, ये तो सिंपल सा लॉजिक है जो मैं पॉइंट के रूप में बोल भी रहा था, समझा भी रहा था। नेक्स्ट मतलब क्या है, ये पॉइंट है क्या, रिमूव द सीएल एटम्स बाय रिप्लेसिंग फ्री रेडिकल एंड देन जॉइन देम, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो की पॉइंट आपके पास निकल रहा है वो बहुत है, इंट्रा रिएक्शंस, इंट्रा रिएक्शंस ऑलवेज, यही नहीं ऑलवेज डोमिनेट एज इंटर, सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू इंट्रा। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको इंट्रा करने का मौका मिलेगा तो आप इंटर की तरफ क्यों जाएंगे, जाएंगे क्या, पक्का इंटर की तरफ कब जाता है आदमी, मतलब मॉलिक्यूल कब जाएगा, जब जब एक ही हेलोजन हो, एक ही डॉट हो, अब एक ही डॉट में तो क्या करेगा भाई, सही है ना। हाँ, आपको आपके समाज में अगर अच्छी लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी मिल जाए, तो आप क्यों दूसरे के समाज में जाके इंटर कास्ट मैरिज करोगे, इंटर ही करोगे। तो जितने भी समझदार होते हैं ना, उन्हें समझदार मिल ही जाते, ठीक।
ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स हो गए। आपको बहुत ज्यादा आसानी से मिल रहा है, एग्जाम्पल आप चाहो जितने एग्जाम्पल बना सकते हो, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है। देखिए ये सी एल है, ये सी एल है, ये सी एल है, ये सी एल है, तो आप क्या बनाओगे सबसे पहला काम? फ्री रेडिकल, बिल्कुल, सी एल हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। तो ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, देख लो, डॉट डॉट, यहां पर, यहां पर। अब क्या करोगे, अगला स्टेप आपके पास, डायरेक्ट डॉट्स को ज्वाइन कर दो। तो डॉट ज्वाइन कर दो कैसे भी, ये बना दिया, ये ज्वाइन कर दिया, इजी है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ऐसे बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, किस लिए, इंट्रावर्ड्स रिएक्शन में। तो एक खास बात और है, यहां पर आपको साइक्लिक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जब दो डॉट एक ही जगह जुड़ रहे होंगे तो साइकिल बनने के चांसेस हैं, सामने दिख ही रहा है आपको। और ले लेते हैं, आपके पास इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, ये लो, और यहां सीएल है, यहां सीएल है। तब तो दिमाग में बीच वाली स्टेप भी गायब कर सकते हो, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे कमेंट करना होता है। तब आप क्या करोगे, इन दोनों डॉट को क्या करोगे, मिला दोगे, सिंपल सा। अब तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, बस सोडियम डाइमिथाइल ईथर लिखना मत भूलना, डीएमई। तो सोडियम डीएमई सोडियम, तब आप क्या करोगे, ये तो पहले से ही था, ये और अटैच कर दिया आपने, यहां डॉट सीधा अटैच, तो क्यूब बनेगा ही बनेगा। तो कोई बहुत ज्यादा टफ काम तो है नहीं इंट्रा के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शंस। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। ये मिक्स्ड कब रहेगा, सी नंबर का मिक्स्ड वुड्स रिएक्शंस। देखो बहुत इजी है, आपके पास अगर दो तरह के फ्री रेडिकल हो जाए तो आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। तो क्या रहेगा, इन केस व्हेन मोर देन टू टाइप्स, मोर देन टू टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल आर प्रेजेंट, देन मिक्स्ड प्रोडक्ट जनरेट। मिक्स प्रोडक्ट का मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन एंड कॉल्ड मिक्स्ड वुड्स रिएक्शंस। तो बहुत आसान है मिक्स वुड्स रिएक्शन के बारे में बोलना आपको यहां पर, ठीक है। आप खुद ही सोच लीजिए कोई कि एक से ज्यादा एल्काइल हैलाइड लोगे, एक से ज्यादा फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हो एक से ज्यादा, वो अलग अलग तरह के होने हैं। यानी कि बात ये है, एक से ज्यादा का मतलब अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सब चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने ले लिया सी एस थ्री सी एल, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने ले लिया सी टू एच फाइव सी एल, तो आपका पहला काम क्या होगा, सोडियम और डीएमई को लिखना। दूसरा काम क्या होगा, फ्री रेडिकल बनाना। तो आपके पास कौन से फ्री रेडिकल बनेंगे, सी एच थ्री डॉट प्लस सी टू एच फाइव डॉट, बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ रही है, मैकेनिज्म कौन कौन सी पॉसिबल आ रही है। फर्स्ट, आपके पास सी एच थ्री डॉट, सी एच थ्री डॉट से ही मिल जाए तो क्या बन जाएगा, सी टू एच सिक्स आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। दूसरा, सी टू एच फाइव डॉट, सी टू एच फाइव से मिले तो क्या मिल जाएगा आपको, सी फोर एच टेन, मिलेगा, बोलो हाँ, मिल गया। तीसरी पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या है, तो सी एच थ्री डॉट प्लस सी टू एच फाइव डॉट आपस में एक दूसरे के सामने आ गए तो क्या बन जाएगा, सी थ्री एच एट, बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो ये तीनों ही आपके लिए क्या हो गए, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। मान लीजिए ये 99% है, तो ये कितना बनेगा, 33%, 33%, और ये भी कितना रहेगा, 33%। तो बाकी का 1% क्या बनेगा, कुछ और भी तो बन सकता है। क्या वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दे सकता है CH3 डॉट, नहीं, लेकिन C2H5 डॉट दे सकता है, हाँ। तो वो डिस्प्रोपोर्शनल देने को भी तैयार है, कौन, C2H5 डॉट प्लस C2H5 डॉट। इससे आपके पास क्या होगा, ये H डॉट इसको दे देगा, तो एक तो बन जाएगा C2H4 और एक बन जाएगा C2H6। हाँ बोलो बोलो, तो क्या दिक्कत आ रही है? अरे उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर इसकी एक मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हो आप, ये क्वांटिटी करोड़ों मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, समझ में आ रही है? तो आप ये नहीं कह सकते कि एक मॉलिक्यूल पे कोई रिएक्शन करेगा क्या, कोई एक मॉलिक्यूल पे, कंटेनर में जब भी डालोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो हर तरह की रिएक्शन देखने को मिल जाएगी आपको। मैं तो अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ 33 33, तो लगभग लगभग एक आइडिया है, कोई एग्जैक्ट नहीं है फिगर। हाँ ये है, अगर कहा जाए, अगर मुझसे कहा जाए बाय डिफॉल्ट कि बताइए दोनों बराबर क्वांटिटी में ले लिया जाए तो मेजर कौन सा दिखेगा, तो मुझे पता है मेजर कौन सा दिखाई देगा, ये तीनों मेजर दिखाई देंगे, लेकिन तीनों मेजर में भी थोड़ा सा ज़्यादा ये दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये CST से तो बन ही रहा है, थोड़ा सा क्वांटिटी इससे भी बन रही है, नंबर वन तो वही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर बाहर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 33 33 33 हम देख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसके की पॉइंट्स आपके पास क्या दिखेंगे, एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा तरह के एल्केन मिल रहे हैं, तो बहुत अलग पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, की पॉइंट्स लिख रहे हैं इसके साथ, C2 C2H6 एंड मेजर और माइनर। देखो एक बात समझना मेरी बात, कि हम ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप बोल रहे हो कि कौन मेजर होगा, बस हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों मेजर होंगे और एक ये माइनर, तो वो तो C2H6, तो कंटेनर में C2H6 को थोड़ी ना मालूम है कि मैं इस तरह से बनाऊं या इस तरह से बनाऊं, उसे तो नहीं मालूम, वो तो कहलाएगा कि मैं बन गया हूं, आ जाऊं था, आ जाओ वेलकम, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो ये कहना बेवकूफ़ी है कि ये C2H6 बनने के बाद पता नहीं चलता कि ये यहाँ से बना है या यहाँ से बना है, बस ठीक है ये बहुत कम है, ये तो पॉइंट सॉरी 1% या उससे भी कम होगा, तो इसको हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो ये तो अगर आपके पास अप्रोक्स ऑप्शन रहते हैं तो यही रहते हैं कि हाँ ये है, ये पॉइंट, ये अमाउंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कहीं आपने अल्काइल हैलाइड सेम रेशियो में लिए भी हैं या नहीं लिए, आपने ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले रखी है, ये क्वांटिटी कम ले रखी है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन है तो ये तीनों होगी, लेकिन ये ज्यादा ले रखा है तो आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी ये मिल जाएगी फिर, ठीक है ना। तो फर्क बहुत सारे इफेक्ट्स रहता है, लेकिन हमसे बेसिक सा पूछा जाता है कि भाई हाँ बता दीजिए कि अप्रॉक्सीमेट कितना बनेगा, हमने वो लिख दिया, और कुछ की पॉइंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं वो हम अलग से लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए की पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या हो रहा है, मोर देन वन एल्केन आर मेजर प्रोडक्ट, एक से ज्यादा मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको एल्केन मिल रही है, मेजर प्रोडक्ट। तो दूसरा की पॉइंट, फर्स्ट तो ये हो ही गया, एक से ज्यादा तरह की रिएक्शन मिल रही है, यानी हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है एल्केन का वो मिक्सचर मिल रहा है, तो दिक्कत ये आएगी कि हमें एक एल्केन चाहिए, हमें मिक्सचर मिल रहा है, तो फिर प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो ये एक और पॉइंट हो गया, प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर, सो अबव रिएक्शंस नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्पेसिफिक एल्केन, एक ही एल्केन बनानी है तो उसके लिए इतना झंझट क्यों लोगे आप, क्वांटिटी कम रह जाएगी, तो इसीलिए दिक्कत आ रही है कि हम ये यूज नहीं कर पाएंगे स्पेसिफिक, पक्का। तो ये तो आपके पास वुड्स रिएक्शन के लिए
खास पॉइंट्स हो गए। कोई और प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, बहुत अजीब सी बात यह है कि अगर आपको सपोज ये वाला प्रोडक्ट बनाना ही पड़ता, कौन सा वाला, ये, तो आप क्या नॉर्मल इंटर या इंट्रा से कर सकते थे? नहीं, आपको मिक्स यूज ही करना पड़ेगा। लेकिन तैयार रहिए किसके लिए, कि इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट होंगे, समझ में आ रहा है, जिसमें भी ऑड कार्बन है, यानी कि 3, 5, 7 इस तरह के, आपको इंट्रा यूज करना पड़ेगा और एफिशिएंसी कम रहेगी। तो यहां पर हमारा फोर्थ थर्ड पॉइंट भी आपके लिए तैयार होगा, ऑड कार्बन एल्केन, लिखते जाओ जल्दी, ऑड कार्बन एल्केन, ऑड कार्बन एल्केन। और दूसरा इसके अंदर है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्केन, जनरेट बाय ओनली इंट्रा, सॉरी, ओनली मिक्स्ड मिक्स्ड वुड्स रिएक्शंस, रिएक्शन एंड परसेंटेज यील्डिंग, इज लेस, इज वेरी लेस। तो यानी कि हम इस तरह की एल्केन को वुड से ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है, और बनाए तो तैयार रहें कि इसके अलावा भी और प्रोडक्ट होंगे और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो सही है इन सबको? हाँ बेटा, तो बिल्कुल तीनों, पर्टिकुलर एक के लिए कितनी रह गई, 33% रह गई ना, हमें ये वाली के लिए बात करना। क्या बेटा? हाँ 33 बन रहा है, लेकिन एक तो होता है 100% ही, वही बनता, तो 100% ही वही बनता तो कितना अच्छा रखता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा मिक्स, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, आज अगर आपको एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले एग्जाम्पल करो, फॉलोइंग एल्केन जनरेट बाय वुड्स रिएक्शन, बाय वुड्स रिएक्शन विद हाई परसेंटेज ऑफ यील्डिंग, हाई परसेंटेज ऑफ यील्डिंग, ए ऑप्शंस, CH4, बी ऑप्शंस, C2H6, सी ऑप्शंस, C5, H10, H12, बनेगी तो एल्केन ही, और डी ऑप्शंस, अब 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलिए यहां पर अपन ने 8 भी कर लिया, अब तो 8 कार्बन है, इवन कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ में आ रहा है? तो यहां 8 कार्बन है, पक्का? तो आंसर क्या जाएगा? बी, बिल्कुल सही कहा आपने, बी जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, कर ही नहीं सकते, नॉट नॉट पॉसिबल, नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स, बाय वुड्स। ये तो हमने लिख लिया, इसको बनाया जा सकता है आराम से, CH3Cl लेके आप
आपकी रिएक्शन हो जाएगी आराम से, और यहाँ पर CH3 CH3 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, ये आपको नहीं बनाया पाओगे, क्यों? क्योंकि ऑड कार्बन आ गए। ऑड कार्बन आने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको कोई से भी दो लेने पड़ेंगे, या तो आपने CH3Cl ले लिया, प्लस क्या लोगे आप, C4H11 चार नहीं H9Cl, तो मिक्स हो जाएगा आपका काम पूरा, मिक्स प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, वहां तो मिक्स प्रोडक्ट बन गए आपके पास, लेकिन ये तो 8 कार्बन रखते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप कौन से एल्काइल लेने की कोशिश करोगे इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए आप पता है क्या लेने की कोशिश करोगे, यहां सीएल लोगे इसके साथ, समझ में आ रहा है, बीच में से कहीं से भी तोड़ोगे, और क्या लोगे, ये लोगे जिससे यहां बॉन्ड बन सके आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये। तो आपके पास ये लोगे तो क्या आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे अनसिमेट्रिकल होने की वजह से, बने मिलेंगे मिलेंगे आपको ये 1 2 3 4, 4 का 8 वाला भी मिलेगा, और यहां पर 1 2 3 4 इसका अलग तरह से मिलेगा आपको, देखने को मिल ही रहा है ना अलग अलग, तो इस तरह में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ तो ऑलमोस्ट 100% आपको ये मिल रहा है, यहाँ आपको 33% मिलेगा, तो 100 ज्यादा या 33 ज्यादा, 100 100 ज्यादा है, तो आंसर क्या जाएगा, बी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, केवल आप ये नहीं देखना कि इवन और ऑड कार्बन, आपको ये भी देखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और उसे इक्वली बीच में 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सके, और जहां से डिवाइड हो जाए वहीं से हम क्या कर देंगे, एल्डिंग हमारी चालू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ऑप्शन होता अगर ई, और वो ऑप्शन होता है इस तरह का, तो बहुत आसान रहता, क्यों, इसकी भी अच्छी खासी एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि आप यहां से तोड़ते, इसके लिए आप क्या यूज करते, बीच में से टूट जाता, इक्वली टूट जाता, बस ये यूज कर लेते, आपको आराम से 100% यही मिलता। आप देखिए इसको, ये मिलता और आपका काम भी चल जाता, तो आप इस चीज को पकड़ें, पहले लिखें इसको। तो मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि आप ये लाइन को लिखें कि जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट की जरूरत है, तो आपका प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा और बिल्डिंग क्या रहेगी, कम। आ रही है बात समझ में, लिख लीजिए। तो अभी 1 मिनट, यहां हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल रहे आ रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट करना है, कुछ एग्जांपल हमारे लिए कमेंट करने हैं वुड्स रिएक्शंस के, तो चलिए बताइए, फाइंड प्रोडक्ट इन फॉलोइंग वुड्स रिएक्शंस, इन फॉलोइंग वुड्स रिएक्शंस, फॉलोइंग रिएक्शंस, वुड्स भी छोड़ो, वो कौन सा नाम देगा आपको एग्जामिनर, वो तो आपको प्रेडिक्ट करना है, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, बहुत सारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं, हमने एक ही चीज देखा, सीएल हटाओ, डॉट लगाओ, ज्वाइन करो, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कौन सा मिलेगा, ये वाला, ये प्रोडक्ट का नाम क्या, किस, इंट्रा, इंट्रा मॉलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शंस, इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक है, यहां ये डॉट, यहां डॉट, बेंजीन बन जाएगी, बिल्कुल सही है, ये भी आपके लिए इंट्रा है, बोलो यस और नो, यहां पर आपको डॉट यहां मिलेगा, तो ये रेजोनेंस के थ्रू मूवमेंट हो जाएगा, और आपका ये डॉट, अब ये वाला इस तरफ जाएगा, तो यहां पाई, यहां डॉट और यहां डॉट, तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन, फिर आपको क्या मिल जाएगा, इंट्रा, ये भी इंट्रा है, सही है। आप देखिए यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपको लग रहा है ये दोनों डॉट बनेंगे और ये बना लेंगे क्या, इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इंटर या इंट्रा, इंट्रा, लेकिन क्या ये स्टेबल है, नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी
एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, काट दो, नहीं बनेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो कौन सा होगा फिर? अब यहां पर आपके पास ये दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, इंटर या इंट्रा, इंटर या इंटर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंट्रा में एंटी एरोमेटिक हो रहा है। तो ये दो रिंग है आपके साथ अटैच हो जाएंगी, एक और दूसरी यहां फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अरे बिल्कुल सही है यार, यहां देखिए ना आप, ये एक डॉट इसके पास है, एक डॉट इसके पास है, ऐसा एक और मॉलिक्यूल है, हाँ या ना? तो इन दोनों डॉट्स को नहीं मिलाऊंगा मैं, मिलाऊंगा मैं, ये एक चेन है, ये एक चेन है, तो बिल्कुल सही है। तो फिर आप इसको ध्यान से देखिए, यहां बी आर ओ या सी एल ओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये आपके पास क्या है, यहां डॉट, यहां डॉट, क्या आपको यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा? हाँ, ये मूवमेंट कर जाएगा इस तरफ, और ये डॉट, यहां डॉट, और फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, इंटर या इंट्रा, इंट्रा। यहां पर अब क्योंकि एक ही डॉट है, कुछ नहीं कर सकते आप, तो जब एक ही डॉट है तो फिर आपको क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से स्टिक होंगे, जुड़ेंगे, और आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटर या इंट्रा, इंटर। तो आप में से कौन बताएगा ये कौन सी रिएक्शन देगा, इंटर या इंट्रा? नीचे वाला कुछ ही नहीं देगा, वाह, फ्री रेडिकल है। यहां आपके पास, यहां ये एक तो स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब कार्बन 14 है, कार्बन 14 है, यहां डॉट भी है, उस कार्बन 14 के ऊपर डॉट है, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आगे मिक्स रिएक्शन आएगी, क्योंकि एक से ज्यादा है। कैसे एक से ज्यादा है? क्योंकि ये रेजोनेंस भी दे रहा है, तो कार्बन तो मूव नहीं करता, लेकिन ये फ्रेडिक कल मूव कर जाएगा और यहां चला जाएगा। तो दो तरह के आपके पास स्पीशीज आ गई, एक वो जिसमें कार्बन 14 के पास डॉट है, एक वो जिसमें दूसरे कार्बन के पास डॉट है। तो दो तरह के रिएक्टेंट होते ही आपके पास क्या मिल जाएगा, मिक्स्ड। मैं फिर बता रहा हूं, क्या रेजोनेंस हो सकता है? हाँ, ये रेजोनेंस हुआ, और जो कार्बन 14 है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन डॉट उछल के वहां चला गया। तो आपको दो तरह के रिएक्टेंट मिल गए, और जब भी दो तरह के रिएक्टेंट होते हैं तब आपको क्या मिलता है, इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे देखिए ध्यान से, मैं फिर बना रहा हूं, एक ये वाला है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, एक ये वाला है रिएक्टेंट, देखिएगा ध्यान से। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों स्टार है, ज्वाइंट हो गए, बहुत सही देखने को मिल रहा है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? और यहां आपको दोनों स्टार है और स्टार की तरफ से ही जुड़ रहा है, सॉरी रुको रुको रुको, मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक मिनट, स्टार है तो, और स्टार वाला ये है, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, स्टार यहां बनाओ, फ्रेडिकल यहां बनाओ, तो ये आपके पास इस तरह रहेगा, और जहां स्टार है उसके 1 2 3, जहां स्टार है, स्टार आप, हाँ 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल नंबरिंग कर दो, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, आपको समझ में तभी आएगा जब आप नंबरिंग कर दोगे। किससे नंबरिंग करोगे? स्टार वाले से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो 3 पे फ्री रेडिकल है, 3 3 डॉट को टच कर दो, और 1 पे आपके लिए स्टार है। हाँ, अब दोनों सेम कहाँ है, यहां स्टार वाले कार्बन मिल रहे हैं, यहां पर नॉन स्टार वाले कार्बन मिल रहे हैं,
तो एक ही दिख रहा है क्या? स्टार का मतलब कार्बन 14 है और नॉर्मल का मतलब कार्बन कार्बन 12 है। एक और मिलेगा आपके पास और वो होगा आपके पास कुछ इस तरह का। एक आप स्टार वाला बना लो पास में, एक जगह दूर बना लो, बाकी तो आपका काम चल ही गया। ये लो, तो तीन तरह के प्रोडक्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे, उतार लीजिए जल्दी से। वहां पर वुड्स रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट आप लिख सकते हैं। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? वुड्स रिएक्शंस के लिए। तो पहला तो ये तो समझ में आ गया कि एल्काइल हैलाइड देंगे, तो हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड हमारे लिए क्या रहेगा? सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगी? आर आई। हर जगह आयोडाइड पहले रिएक्शन देता है पक्का, जबकि हेलोजिनेशन में, हेलोजिनेशन में जब हेलोजन ही लेते हैं सिंपल, तो एफ टू की रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन जब बात आती है एल्काइल हैलाइड की, तो आर आई की सबसे ज्यादा, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ। ये काफी स्लो देता है, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आसानी से टूटेगा नहीं, वीक बॉन्ड है, इजीली डिसोशिएट, इजीली डिसोशिएट। ये है हमारा यहां का ऑर्डर। हेलोजिनेशन जब हम पढ़ेंगे तब हम तब की देखेंगे, अभी तो हमारा मेन वुड्स रिएक्शन के लिए ये हमारे पास आ रहा है। और सिमेट्रिकल एल्केन्स इजीली जनरेट बाय दिस, बाकी आप जानते हो वुड्स रिएक्शन नॉट जनरेट बाय दिस, सॉरी मिथेन नॉट जनरेट बाय वुड्स रिएक्शन, सी एच फोर कैन नॉट जनरेट बाय वुड्स। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। तीसरा भी आपको याद ही होगा व्हेन, थर्ड क्या रहेगा व्हेन टू और मोर एल्काइल हैलाइड आर प्रेजेंट देन वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन, वी गेट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन। इसलिए आप जब भी इसको बना रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक ही एल्काइल हैलाइड हो और हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बने। लिख लीजिए,